तो हमारा फोर्टी फाइव क्वेश्चन तक हो चुके थे ठीक है तो अभी हम लोग फोर्टी सिक्स क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ठीक है थीके? तो फोर्टी सिक्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच इवेंट इज ट्रिगर्ड यूजर अर अ यूजर फॉर्म जब किसी यूजर के द्वारा यूजर फॉर्म को क्लोज किया जाता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है ठीक है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर तो होता है तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे एक डेमो के रूप में एक यूजर फॉर्म लगाया हुआ है <coughs> यहाँ पे यूज़र फॉर्म है इस यूज़र फॉर्म को हम क्लोज बटन पे क्लिक कर रहे हैं यूज़र फॉर्म पर जैसे हम क्लोज बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स मैसेज आ रहा है आपने यूजर फॉर्म को क्लोज़ किया है ठीक है तो ये यूज़र फॉर्म ये जो मैसेज क्यों आ रहा है ये मैसेज बॉक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया है इस यूज़र फॉर्म के जैसे ही ये क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं तो यूज़र फॉर्म के टर्मिनेट इवेंट पर यूज़र फॉर्म के टर्मिनेट इवेंट पर ये वाला मैसेज लिखा हुआ है तो इससे प्रूफ होता है कि जो जैसे ही हम यूज़र फॉर्म को इसको क्लोज़ करते हैं तो हमारा टर्मिनेट इवेंट ट्रिगर होता है ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली भी हम देख लेते हैं एक बार ठीक है यहाँ पे जैसे हमने एक एक्सेल का फाइल बनाया हुआ है यहाँ पे देखिए यूज़र फॉर्म है एक इस यूज़र फॉर्म को हम रन कराते हैं इस यूजर फॉर्म यूज़र फॉर्म को जैसे ही हम रन हमने रन कराया तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक क्लोज़ का बटन आ रहा है इसको जैसे मैं क्लोज़ करता हूँ देखिए क्लोज किया तो वैसे ही क्या रहा है आपने यूज़र फॉर्म को क्लोज किया है ओके ठीक है तो ये इसके हमने क्या किया है इस यूज़र फॉर्म के इस यूज़र फॉर्म के इस यूज़र फॉर्म के देखिए मैंने डबल क्लिक किया टर्मिनेट इवेंट पे इस यूज़र फॉर्म के हमने क्या किया है टर्मिनेट इवेंट पे हमने क्या लिखा है मैसेज बॉक्स में लिखा है ठीक है आपने यूज़र फॉर्म क्लोज़ किया है इसलिए वो मैसेज बॉक्स आ रहा है ठीक है एक बार हम लोग और देख लेते हैं इसे मैंने रन कराया और यहाँ पर जैसे मैं इस यूज़र फॉर्म को क्लोज़ करता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है आपने यूज़र फॉर्म क्लोज़ किया है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टी सिक्स कम्प्लीट हुआ हमारा फोर्टी सिक्स के बाद हम लोग देखते हैं फोर्टी सेवन ठीक है तो फोर्टी सेवन क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है फोर्टी सेवन ठीक है फोर्टी सेवन ठीक है प्रेस डैश क्वेश्चन मार्क टू सेलेक्ट ऑल रोस एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट किसी वर्कशीट में हमें क्या करना है सेलेक्ट करना है ऑल सभी रोज और रोज और कॉलम्स को तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज होता है ठीक है तो इसका सिंपल आंसर है हमारा फोर्टी सेवन में आंसर आएगा ए कंट्रोल ए ये हमारा वर्ड में भी न, काम करता है कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स इन द वर्कशीट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट दिखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर ऑफ जावाक्रिप्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर टाइप ऑफ ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट में जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है इस ऑपरेटर की सहायता से हम क्या करते हैं हम हम क्या करते हैं किसी भी वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं या वेरिएबल का हम लोग क्या करते हैं डेटा टाइप पता कर सकते हैं ठीक है लेकिन वो डेटा टाइप पता कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिख रहा है आपको ए और बी यहाँ पे देखिए इट रिटर्न्स द स्पेसिफिक डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू और यहाँ पे लिखा है इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू ठीक है तो यहाँ पे दोनों में कई लोग क्या किया होंगे यहाँ सीधा देखे होंगे स्पेसिफिक डेटा टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है तो यहाँ सीधा इसको टिक मार देंगे लेकिन ये क्या है गलत है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि ये क्या करता है ये क्या करता है जो जावा स्क्रिप्ट का टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये क्या करता है हमें डेटा टाइप को रिटर्न करता है लेकिन उसका क्या करता है हमें स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन को हमें रिटर्न करता है ठीक है तो इसको हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं देखिए यहाँ पे हमने टाइप ऑफ फिफ्टी किया फिफ्टी एक क्या नंबर है तो यहाँ पर हमारा डेटा टाइप क्या आया नंबर आया ठीक है आप टाइप ऑफ़ सी जी आई टी गुरु जी किया देखिए यहाँ पे सिंगल कोड में है ठीक है सिंगल कोड या डबल कोड में जो भी रहता है सिंगल कोड या फिर डबल कोड के अंदर जो भी आप लिखते हैं ये हमेशा आपका क्या कहलाता है स्ट्रिंग कहलाता है ठीक है ये हमेशा क्या कहलाता है स्ट्रिंग कहलाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग आउटपुट में आ रहा है डेटा टाइप है ना ठीक है यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रू टू क्या है टू और फॉल्स क्या है आपका बुलियन है तो यहाँ पे आउटपुट में आपका बुलियन आ रहा है टाइप ऑफ नल क्या आ रहा है टाइप ऑफ नल क्या होता है ऑब्जेक्ट जाओ स्क्रिप में ठीक है इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है इस एग्जाम्पल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आगे चल के आपका एक क्वेश्चन भी आया है नल का टाइप ऑफ क्या होता है ठीक है तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट होगा ठीक है अब हम लोग को क्या करना है आ, क्या पता करना है कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टाइप ऑफ ए वैल्यू तो यहाँ से तो खैर आपको यहाँ पे जैसे ही आपने जब टाइप ऑफ 50 किया ठीक है टाइप ऑफ 50 किया तो यहाँ से देख के समझ में आ रहा है कि जो नंबर आ रहा है सिंगल कोट के अंदर है ये सिंगल कोट के अंदर ऐसे नंबर लिखा हुआ आ रहा है ठीक है तो नंबर तो डेटा टाइप है लेकिन यहाँ पे सिंगल कोट में आ रहा है सिंगल कोट में आ रहा है इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग है ठीक है फिर भी आपको प्रूफ करना है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दिखे लिया हुआ है टाइप ऑफ फिफ्टी किया हमने तो क्या आया नंबर ठीक है अब इस टाइप ऑफ फिफ्टी का ही हम लोग डेटा टाइप देखना चाहें ठीक है तो क्या आता है ठीक है तो टाइप ऑफ उफ... टाइप ऑफ का हम लोग क्या देख रहे हैं टाइप ऑफ लगा दिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए हमारे क्लियर हमारे पास क्या रहा है प्रूफ तो होता है कि जो भी डेटा टाइप मिलता है, वो उसका को हमें करता है. तो इसलिए हमारा बी फोर्टी देखते हैं फोर्टी नाइन विच वी बी ए कंट्रोल इज यूज टू एम्बेड माइक्रोसॉफ्ट एक्सल वर्कशीट विद कौन सा वीबीए कंट्रोल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट को हमें क्या करना है यूज़र फॉर्म के अंदर डालना है ये हमारा एक यूजर फॉर्म है इस यूजर फॉर्म में हमें क्या करना है एक्सेल वर्कशीट को डालना है ठीक है ये एक्सेल है और ये हमारा क्या है यूज़र फॉर्म ठीक है ये हमारा क्या है यूज़र फॉर्म इस यूजर फॉर्म के अंदर हमें क्या करना है एक्सेल वर्कशीट को डालना है तो उसके लिए निम्न में से कौन सा जो हमारा ऑप्शन है वो यूज़ होगा ठीक है तो इसमें जितने ऑप्शन दिए हैं चारों ही ऑप्शन चारो मुझे तो गलत लगे ठीक है अब व्यापम क्या एग्जाम्पल लेता है वो व्यापम डेल है बहुत लोगों ने यहाँ पे डी स्प्रेडशीट शीट मार के लगा के आया है और लगाना भी चाहिए क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं मिल रहा है लेकिन ये स्प्रेडशीट नाम का जो कंट्रोल है वो टूल बॉक्स में मौजूद ही नहीं है मैंने बहुत ही चेक कर लिया लेकिन आप लोग को मिले तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ठीक है तो स्प्रेडशीट शीट चूंकि आपका इस नाम का कोई कंट्रोल होता ही नहीं है है ना ठीक है यहाँ पे टूल बॉक्स आता है ना जो तो आपका तो टूल बॉक्स में फिर ऐड ऐड एड, एड करके एडिशनल कंट्रोल को भी आप ऐड करोगे तो वहां पे भी आपको स्प्रेडशीट नाम का ये कोई कुछ नहीं दिखेगा ठीक है तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है विलोपित हो सकता है या होना चाहिए ठीक है तो फोर्टी में या तो आप डी लगाए होंगे तो ठीक है अब व्यापार क्या लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर वॉर्मो वायरस विच ऑफ द फॉलोविंग वुड बी द करेक्ट करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर वॉर्मो वायरस ठीक है तो पचास फिफ्टी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इट हैज नो इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरनेट ट्रैफिक इट हैज नो इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरनेट ट्रैफिक इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाने में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है ठीक है वॉर्मो वायरस का ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन लिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस एप्लीकेशन डस नॉट सपोर्ट वी बी ए ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑफिस एप्लीकेशन डस नॉट सपोर्ट वी बी ए ठीक है तो ये इस ये भी क्वेश्चन का सारे ऑप्शन मुझे गलत लगे ठीक है क्योंकि देखिए इसमें से जो एक्सेल है वर्ड है पावर पॉइंट और एक्सेस है ये चारों ही एप्लीकेशन आपके वी बी ए को सपोर्ट करते हैं ठीक है थीके? और यहाँ पूछ रहा है, support, रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस एप्लीकेशन डस नॉट सपोर्ट डस नॉट सपोर्ट बोल रहे हैं ना कौन सा ऑफिस एप्लीकेशन वी बी को सपोर्ट नहीं करता है बोल रहा है और ये चारों ही ऑफिस अप्लीकेशनस हैं माइक्रोसॉफ्ट के तो इसलिए ये भी क्वेश्चन मुझे लगता है विलोपित होने वाला है बहुत सारे लोगों ने सी ऑप्शन लगा के आया है लेकिन ये सी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी वीबीए सपोर्ट करता है ठीक है तो ये क्वेश्चन भी विलोपित होना चाहिए लेकिन अब देखो व्यापम क्या आंसर लेता है ठीक है इसको अगर आपको देखना है तो पावर पॉइंट में भी दिखा देता हूँ मैं ये हमारे जैसे पावर पॉइंट खुला हुआ है ठीक है इस पावर पॉइंट में देखिए डेवलपर देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट दिख रहा है और यहाँ पे देखिए डेवलपर टैब है इस डेवलपर टैब में ये देखो विजुअल बेसिक दिख रहा है यहाँ से आप विजुअल वीबीए के कमांड चलाकर पावर पॉइंट को कंट्रोल कर सकते हो ठीक है तो इसलिए मैंने बोला कि ये अलग क्वेश्चन भी विलोपित होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू देखते हैं फिफ्टी टू हैं विच विच वी बी ए स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जिट आउट ऑफ एन ई फल्स स्ट्रक्चर प्री मेच्योरली प्री मेच्योरली मतलब आ, पूरा लूप खत्म पूरा आ, लूप खत्म होने से पहले ठीक है इफ एल्स स्ट्रक्चर को पूरा एग्जीक्यूट होने से पहले ही ठीक है लूप नहीं माफ़ कीजिएगा पूरे इफ एल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा रन करने से पहले ही वो प्री मेच्योरली वो उसे क्या करना है हमें ए, वी बी स्टेटमेंट से एग्जिट करना है ठीक है तो यहाँ पे भी बहुत लोगों ने एग्ज़िट इफ़ लगाया है फिफ्टी टू में डी होना चाहिए लेकिन यहाँ पे भी मैंने इसे रन करा के देखा है ठीक है ब्रेक नाम का जो की है वो तो वी बी बी में होता ही नहीं है कंटिन्यू भी नहीं कंटिन्यू भी नहीं होता एग्ज़िट फॉर भी नहीं होता ये क्या होता है वी में होता है आपका लेकिन वी में मुझे तो नहीं मिला आप लोग को अगर मिले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे तो यहाँ पे एग्जिट हो, इफ़ होना चाहिए लेकिन ये एग्जिट इफ़ जब आप चलाएंगे ई फेल्स स्टेटमेंट में जब बी में कमांड रन कराएंगे तो एग्जिट इफ़ आपका क्या देता है एरर देता है इस टाइप का कोई किसी प्रकार का एग्जिट इफ आपका उसमें मौजूद नहीं है ठीक है तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होना चाहिए लेकिन हम देखो व्यापम क्या लेता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखते हैं नेटवर्क्स आर यूज फॉर शेयरिंग नेटवर्क्स आर यूज फॉर शेयरिंग बेसिकली थिंग्स लाइक ठीक है तो नेटवर्क्स किस चीज़ को शेयर करने के लिए यूज़ होता है ठीक है तो इन्फॉर्मेशन हार्डवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑल ऑफ दिस तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस ठीक है नेटवर्क भाई एक नेटवर्क है आपका जैसे ये कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर तीसरा कंप्यूटर ठीक है तो इन तीनों कंप्यूटर के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं नेटवर्किंग के थ्रू तो एक दूसरे से जोड़ दिए हैं अब मान लीजिए प्रिंटर आपका यहाँ जुड़ा हुआ है ठीक है प्रिंटर ठीक है और सॉफ्टवेयर आपका यहाँ रखा हुआ है ठीक है ठीक है और इन्फॉर्मेशन डेटा आपका यहाँ रखा हुआ है ठीक है अब आप क्या करते हैं इस कंप्यूटर में आपको ये तीनों चीज़ चाहिए प्रिंटर भी चाहिए सॉफ्टवेयर भी चाहिए डेटा भी चाहिए तो ये नेटवर्क के थ्रू अगर जुड़े हुए हैं ठीक है तो आप यहाँ से भी आ, इन प्रिंटर यानी हार्डवेयर हो गया ठीक है सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर हो गया डेटा यानी इन्फॉर्मेशन हो गया तो इन तीजे तीनों चीज़ों को आप नेटवर्किंग के थ्रू आप आ, शेयर कर सकते हैं इसलिए इसका फिफ्टी का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखते हैं डैश अनेबल्स ड्रॉइंग टेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट डैश अनेबल्स ड्रॉइंग टेक्स्ट इन एम एस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट ठीक है तो ड्रॉइंग टेक्स्ट एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में इस तरीके का आपने वर्ड आर्ट देखा होगा तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव देखते हैं पेजेस ऑफ ए वेबसाइट आर लिंक इंटरलिंगड थ्रू ठीक है कोई भी वेबसाइट है ठीक है किसी भी वेबसाइट में वेबसाइट क्या होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ठीक है तो ये हमारे बहुत सारे वेब पेजेस हो गए ठीक है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ठीक है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये एक वेब पे पेज इस पर पे जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे या फिर कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करेंगे ठीक है तो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट ठीक है ऐस करके ये वाला एक पेज और खुल जाता है यहाँ पे जैसे आप कॉन्टेक्ट में क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाता है ठीक है तो ये जो पेजेस है एक दूसरे से किस तरीके से लिंक है तो ये पेजेस एक दूसरे से किस से लिंक होते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइपर लिंक से तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट अस में क्या कौन सा क्वेरी लगाते हैं ए एच रफ़ एच एर एफ इक्वल टू यहाँ पे आप ऐसे वेबसाइट का एड्रेस देते हैं ना पेज का वेब पेज का ठीक है तो ये उसी की बात कर रहा है ठीक है तो हाइपर लिंक कैसे बनाते हैं स्टीमल लैंग्वेज में ए एच एर एफ कमांड करके यूज़ करके ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स देखते हैं हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन मार्क डैश की इज यूज टू ट्रैक सेलेक्टेड डेटा टू अनदर वर्कशीट ऑफ द सेम वर्क बुक ठीक है जैसे ये हमारा क्या होता है वर्क बुक होता है ठीक है एक वर्क बुक को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेल फाइल बोलते हैं ठीक है वर्क बुक इस वर्क बुक को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्सेल फाइल ठीक है file, जो एक्सेल फाइल आप सेव करते हैं अब इस वर्क बुक में क्या होता है सीट्स होते हैं अलग अलग ठीक है तो डिफॉल्ट रूप से तीन सीट्स मौजूद होते हैं सीट वन सीट टू और सीट थ्री अब यहाँ पे क्या बोल रहा है किसी भी एक आ, शीट से किसी भी एक शीट से आपको क्या करना है डेटा को ड्रैक करके दूसरे शी, शीट में डालना है सेम वर्कबुक मतलब एक एक ही वर्कबुक का ठीक है तो हम लोग उसके लिए कौन सा की यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही हमको ऑप्शन होगा अल्ट ठीक है तो इसे हम लोग चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे ठीक है तो प्रैक्टिकली देखने के लिए हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे आ गए हम लोग एक्सेल में और यहाँ पे हम लोग क्या करना है सीट वन में और ये क्या है सीट टू और ये क्या है सीट थ्री ठीक है अब हमें क्या करना है मान लीजिए सीट वन से हमें कोई भी डाटा सीट टू में ड्रैग करना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जैसे मान लीजिए सीट वन में हमें कोई भी डाटा की एंट्री की ठीक है ये सीट वन में हमने एंट्री की ठीक है अब यहाँ से हमें क्या करना है इस डाटा को ठीक है इस सेल के डाटा को हमें क्या करना है सीट uh, टू में पहुँचाना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अल्ट प्रेस करेंगे यहाँ पर पहले आएंगे फिर अल्ट प्रेस करेंगे अल्ट प्रेस करने के बाद इसे ड्रैक करके हम क्या करेंगे सीट टू में आके यहाँ पर छोड़ देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है शीट वन से ये डाटा गायब होगा और शीट टू में हमारा ये आ गया है ठीक है तो उसी की बात कर रहा है, ड्रैग करके आपको शीट एक शीट से दूसरे शीट में डालना है तो उसके लिए कौन सा कमांड का यूज होता है तो उसके लिए हमारा कौन सा कमांड का यूज होता है आ, अपना होता है अल्ट ठीक है ऑप्शन नंबर ई क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखते हैं द दे जावा ऑब्जेक्ट मॉडल द जावा ऑब्जेक्ट मॉडल कंसिस्ट ऑफ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट सच एस मैथ अरे एंड स्ट्रिंग दिस ऑब्जेक्ट्स आर पार्ट ऑफ ठीक है तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स होता है क्या क्या होता है जैसे मैथ अरे और स्ट्रिंग ठीक है ये मैथ वही है जो आपका फ्लोर फंक्शन है ना फ्लोर फंक्शन मैथ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ही होता है ना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट के अंदर ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट किसके पार्ट है बोल रहे हैं ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ई सी एम ए स्क्रिप्ट स्टैंडर्ड ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट दिखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नो एसक्यूल डेटा बेस टाइप ठीक है नो एस्क्यूल डेटा बेस टाइप ठीक है तो नो no एस्केल क्या होता है जिसमें आपका एस क्यूएल एस क्यूएल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है ठीक है एसक्यूल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं नो एस्क्यूल डेटा बेस टाइप ठीक है तो डेटा बेस का टाइप चाहिए तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो एक लैंग्वेज है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल क्या है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ठीक है दूसरा ऑप्शन क्या है डॉक्यूमेंट डेटाबेस ये आपका सही ऑप्शन बी होगा ठीक है तीसरा ऑप्शन क्या है जैसन जैसन क्या है जैसन तो एक क्या है हमारा एक डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है ठीक है तो ये भी ऑप्शन गलत होगा जेडी क्या है जेडी enters.. क्या है एक ठीक है जेडी क्या है एक ए पी है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ठीक है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा ठीक है तो डेटा बेस टाइप पूछ रहा है तो डेटा बेस टाइप तो होगा आपका डॉक्यूमेंट डेटा बेस ठीक है तो 58 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन देखते हैं द काइंड ऑफ डेप्स विच आर नीडेड टू बी रीपेड इन शॉर्ट टर्म इज़ नोन एज ठीक है तो यानी uh, होता है कर्ज यानी होता है कर्ज तो ऐसा कर्ज जिसे uh, थो, थोड़े समय के लिए लिया जाता है ठीक है ऐसा कर्ज जिसे थोड़े समय के लिए लिया जाता है और उसे uh, पेट कर दिया जाता है थोड़े समय में पेट कर दिया जाता है तो उसे हम लोग कौन सा टर्म uh, उसके लिए यूज करते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करेंट लियाबिलिटी ठीक है करेंट लियाबिलिटी ठीक है फिक्स लियापिटी जो लंबे समय के लिए हम लोग लेते हैं कर्ज उसकी बात कर रहे हैं ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देखते हैं वी कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर्स इन टेली बाय एक्टिवेटिंग हम लोग टेली uh, में क्या कर सकते हैं मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं टैली uh, में किस चीज़ को एक्टिवेट करके ठीक है तो टैली में हम लोग मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं हम लोग तो उसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यूज सिक्योरिटी कंट्रोल ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी देखते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन फुल फॉर्म ऑफ मैन इज ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू देखते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट सीपेट ठीक है अब ये है, जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है ठीक है जावा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का एक क्वेश्चन है ठीक है इस क्वेश्चन ठीक है इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले आप देखिए ठीक है यहाँ पे ये क्या हो रहा है एरो एक फंक्शन यूज हो रहा है यहाँ पे देखिए इसको देखिए इसको देख के समझ आना चाहिए कोई ये एरो फंक्शन है ठीक है एरो फंक्शन में क्या होता है ठीक है यहां पे ये जो होता है ये आपका क्या होता है पैरामीटर होता है फंक्शन का पैरामीटर इसे मैं आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और डिटेल में समझाऊंगा अभी क्योंकि मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ ठीक है आप लोग कमेंट करेंगे मुझे आपको इस क्वेश्चन को अलग से मैं आपको समझाऊंगा ठीक है क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ यूज़ हुई क्या क्या यूज हुआ है देखो यहाँ एरो फंक्शन यूज हुआ है यहाँ स्प्लिट फंक्शन यूज हुआ है या रिवर्स फंक्शन यूज हुआ है यहाँ क्या बोलते हैं जॉइन फंक्शन यूज हुआ है uh, यहाँ पे फिर ट्रिपल ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर मतलब पांच अलग अलग चीज़ें यूज़ हुई है ठीक है तो इसको अभी यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत लंबा खींचा जाएगा अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ठीक है तो शॉर्ट में क्या बता रहा हूँ यहाँ पे ये यह क्या हो रहा है ये सी एच के सी एच के एस टी आर का एक फंक्शन है ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ फंक्शन है फंक्शन में यहाँ पैरामीटर देखे कॉल किया है ठीक है तो ये फंक्शन है एरो फंक्शन है ठीक है इसमें इसका पैरामीटर क्या है एस टी आर एस टी आर मतलब यहाँ पे ये यह जो भी जा रहा है ये किस में जा रहा है एस टी आर में जा रहा है ठीक है आई टी आई इसमें जा रहा है एस टी आर में ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई यहाँ पे ये इतना क्या है इसका पूरा फंक्शन का क्या है बॉडी है यहाँ से लेके यहाँ तक एरो ऑपरेटर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है फंक्शन की बॉडी है यहाँ से जो भी कैलकुलेट होगा ठीक है यहाँ से जो भी कैलकुलेट होगा वही इस पूरे फंक्शन का क्या होगा आउटपुट होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा कैलकुलेट क्या होगा यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर हमें क्या देता है या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है ठीक है या तो ट्रू देता है या तो फॉल्स देता है तो इस फंक्शन का इस फंक्शन का आउटपुट या तो टू आएगा या तो फॉल्स आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या दिया है पैरामीटर में आई टी दी है तो आई का डालने से ये वाला जो फंक्शन है ये वाला जो फंक्शन है ये आउटपुट में हमें से ट्रू देता है ठीक है तो ट्रू देता है तो देखिए आई टी आई टी आई ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप इसको इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो इधर से पढ़ोगे तो भी आई टी आएगा इधर से पढ़ोगे तो भी आई टी आएगा ठीक है अब जैसे एक और एग्जाम्पल देता हूँ एम ए डी ए एम मैडम ठीक है तो इसको आप इधर से पढ़ेंगे तो भी मैडम पढ़ाओगे इधर से पढ़ोगे तो भी मैडम तो इस टाइप का जो स्ट्रिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पेलेंडर स्ट्रिंग इसको हम लोग बोलते हैं पेलेंडर स्ट्रिंग ठीक है तो चूंकि हम इस टाइप का स्ट्रिंग डालने पर ही हमें टू दे रहा है ठीक है और कुछ भी डालोगे आप जैसे आपने क्या डाल दिया सपोज़ कुछ भी डाल दिया आपने राम आर ए एम ठीक है तो इसको आप इधर से पढ़ेंगे तो आ, राम होगा इधर से पढ़ेंगे तो मार होगा ठीक है तो ये आपको ऐसे में ये वाला फंक्शन आपको क्या दे देगा फॉल्स दे देगा ठीक है तो इसलिए इस क्वेश्चन इस का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए चेक्स इफ ए स्ट्रिंग कंटेंट से पैलेंड्रम ठीक है अब ये वाला फंक्शन काम कैसे करता है सबसे पहले आप मैं में बता दे रहा हूँ ठीक है यहाँ पर क्या हो रहा है ये एस में यहाँ पर इस वाला एस में क्या जा रहा है आपका जो भी आपने ये भेजा है वो आ जा रहा है आई टी आई ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है एस टी आर डॉट स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन क्या करता है आपका स्प्लिट फंक्शन क्या करता है जैसे आपने दिया है मैडम ठीक है मैडम ठीक है तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा इसको सबको एक एक करके कर अलग कर देगा एम अलग कर देगा ए अलग कर देगा डी अलग कर देगा ए अलग कर देगा और एम ठीक है इसको स्प्लिट कर दिया ठीक है स्प्लिट करने के बाद क्या कर रहा है बोलने बोल रहा है रिवर्स करने बोल रहा है तो रिवर्स करना है मतलब आपको इधर से लिखना है तो इधर से लिखने के लिए फिर इसको अलग कर देगा एम ए डी ए एम ठीक है अब उसका फिर ये ज्वाइन फंक्शन क्या कर रहा है आपने पहले स्प्लिट किया स्प्लिट करने के बाद इसको क्या किया रिवर्स किया रिवर्स करने के बाद फिर इसको ज्वाइन कर दो बोल रहा है ठीक है तो अब इसको फिर से ये रिवर्स करके ज्वाइन कर देगा ठीक है तो अब ये जो आउटपुट आया ये वाला इस आउटपुट के इक्वल है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे आपका इस एस में क्या गया था मैडम और इस इस पूरे फंक्शन को कैलकुलेट करके भी क्या आ गया आपका मैडम ठीक है तो ये दोनों अगर इक्वल हो गए ठीक है थीके? इसका मतलब टू आएगा टू आएगा इसका मतलब वो पैलेंड्रा मिस्ट्री होगा ठीक है इसलिए सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए होगा ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री देखते हैं विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन ठीक है प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमें क्या करना है कस्टम टाइमिंग हमें सेट करना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है इसमें पावर पॉइंट में ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी रिहार्शल जैसे हमने पावर पॉइंट में हम चाहते हैं कि इस स्लाइड में दो दो सेकंड रुके किसी स्लाइड में चार सेकंड रुके किसी स्लाइड में पाँच सेकंड रुके किसी स्लाइड में आ, फट से आगे बढ़ जाए है हाँ ना तो इस टाइप का हम लोग जो हर एक स्लाइड में कस्टम टाइमिंग डालते हैं वो हम लोग किससे करते हैं रिहर्सल से ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर देखते हैं विच वी बी ए मेथड इज़ यूज टू एड आइटम्स इन ए कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल ठीक है कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल में हमें आइटम्स को ऐड करना है उसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो ऐड आइटम का हम लोग यूज़ करते हैं ठीक है थीके? इसे हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं ठीक है यहाँ पे हम लोग एक्सेल निकाल लेते हैं ठीक है एक्सेल में आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर ये सिक्सटी फोर है ना ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल का डेमो एक मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया है ठीक है तो यहाँ पर इसमें रन कराता हूँ देखिए यहाँ पे रन कराने पे क्या हो रहा है देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और जनवरी आ रहा है अब इसमें हमें क्या करना है कि एक और आइटम ऐड करना है ठीक है तो इसमें एक और आइटम ऐड करने के लिए हमें क्या बताया डॉट ऐड आइटम का यूज़ होता है तो इस पर डबल क्लिक किया ठीक है तो हम लोग इस इवेंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे यूजर फॉर्म के इनिशलाइज इवेंट पर लिखेंगे जैसे यूजर फॉर्म एक्टिवेट हो एक्टिवेट हो मतलब जैसे ही हम लोग रन कराए तो यूज़र फॉर्म आता है तो यूज़र फॉर्म के इनिशलाइज इवेंट पर लिखेंगे और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करेंगे कॉम्बो बॉक्स कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम ठीक है यहाँ पे फिर हम जो भी आइटम डालेंगे जैसे यहाँ पे जनवरी है तो हम लोग एक काम करते हैं फरवरी डाले थे फेबरू अ ठीक है अब यहाँ पे फिर फेबर करके एंटर ठीक है अब जैसे ही हम लोग इस फॉर्म को सेव करके यहाँ रन कराते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे अब आपका ये देखिए यहाँ पे ये यह देखिए ये आपका फरवरी आ चुका है ठीक है तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कौन सा मेथड का यूज़ करते हैं ऐड आइटम ठीक है, है? यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये ऐड आइटम डॉट ऐड आइटम तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऐड आइटम ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव देखते हैं आइडेंटिफाई द लाइन एक्स कमांड विच इज़ यूज टू रिमूव फाइल्स ठीक है फाइल्स को रिमूव हटाने के लिए हम कौन सा लाइनेक्स कमांड का यूज करते हैं ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आर एम आर एम ठीक है सिक्सटी फाइव का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स देखते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स ए फायर वाल फायर वाल को कौन निम्न निम से कौन सा ऑप्शन है वो अच्छे से डिस्क्राइब करता है ठीक है तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ए सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स जो प्री डिफाइंड रूल्स पहले से बने हुए हैं ठीक है उसके हिसाब से ये क्या करता है नेटवर्क uh, को क्या करता है मॉनिटर करता, करता है और फिल्टर करता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देखते हैं विच मैथड इज यूज टू एक्टिवेट स्पेसिफिक वर्कशीट इन एक्सेल यूसिंग वीबीए ठीक है विच मैथड इज यूज टू एक्टिवेट ठीक है एक्टिवेट करना है वर्कशीट को ठीक है इन एक्सेल यूसिंग वीबीए वीबीए में किसी भी वर्कशीट को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मैथड का यूज होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वर्कशीट्स डॉट एक्टिवेट वर्कशीट्स डॉट एक्टिवेट ठीक है तो इसे प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं एक बार कैसे हम कर सकते हैं सिक्सटी सेवन में जैसे अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ठीक है इसे मैं प्रैक्टिकली मैं एक बार बता देता हूँ ठीक है ठीक है अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी कौन सा वर्कशीट खोल के रखा है वर्कशीट वन अब मैं चाहता हूँ कि आ, आ, ये मैं तो अभी इसे माउस से के पॉइंटर से कर रहा हूँ यहाँ पे सीट वन पर क्लिक कर रहा हूँ तो सीट वन आ जा रहा है सीट टू पर क्लिक कर रहा हूँ तो सीट टू आ जा रहा है सीट थ्री पे क्लिक कर रहा हूँ तो सीट थ्री आ जा रहा है अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं सीट वन में हूँ और कोडिंग के थ्रू ठीक है मुझे सीट टू में आना है ठीक है तो यहाँ पर अभी सीट वन में मैंने छोड़ा अब मैं यहाँ पर आता हूँ कोड में वी बी ए कोड में यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूल बना लेते हैं एक ठीक है यहाँ पे हम एक क्या कर लेते हैं मॉडल बना लेते हैं ठीक है मॉड्यूल बना लिए ठीक है इस मॉड्यूल के अंदर हम कोड लिखते हैं सब डेमो ठीक है सब डेमो करके हमने एक को बना लिया अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं वर्क शीट्स टू डॉट एक्टिवेट ठीक है अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है वर्कशीट टू डॉट एक्टिवेट ठीक है वर्कशीट टू डॉट एक्टिवेट तो अब यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा सीट अभी यहाँ एक्टिव है वर्कशीट वन ठीक है अब हम जैसे ही इस कोड को रन कराते हैं देखिए है यहाँ पे मैंने रन कराया यहाँ पे डेमो को हमें रन कराना है रन कराया अब यहाँ पे हम आते हैं एक्सल में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक वर्कशीट टू एक्टिवेट हमारा हो चुका है ठीक है अब हम अभी वर्कशीट टू में है अब इस कोड को मैं चेंज करके वर्कशीट यहाँ पे थ्री कर देता हूँ यहाँ पे थ्री कर दिया अब सेव कर दिया अब इसे रन कराता हूँ ठीक है रन अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सेल में देखिए यहाँ पे वर्कशीट थ्री हमारा एक्टिवेट हो गया है ठीक है तो इसी की बात कर रहा है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्सटी सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन में हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट देखते हैं ठीक है विच वी बी ए मैथड इज विच वीबीए मैथड इज यूज टू चेक और अनचेक ए चेक बॉक्स कंट्रोल ठीक है जो ये चेक बॉक्स है इसको हमें क्या करना है चेक करना है या तो अनचेक करना है इसको फिर क्लिक करेंगे तो अनचेक हो जाएगा तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ होता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वैल्यू ठीक है ये हमने टॉगल वाला मेथड में भी देख चुका है चेक बॉक्स को टॉगल करने के लिए भी हमारा कौन सा कंट्रोल मेथड यूज होता है वैल्यू ठीक है हम इसको ऐसे लिखते हैं ना चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू तो आपने क्या लिख दिया ट्रू जैसे ही आपने टू लिख दिया तो ये चेक बॉक्स हो जाएगा चेक हो जाएगा ठीक है फिर वैसे ही सेम आपने क्या किया चेक बॉक्स वन डॉट वैल्यू इक्वल टू आपने क्या लिख दिया फॉल्स जैसे आपने फॉल्स लिखा तो ये चेक बॉक्स हो जाएगा अनचेक ठीक है तो ये इसी की बात कर रहा है ठीक है किसी भी वी बी ए मैथ चेकबॉक्स कंट्रोल को आपको क्या करना है चेक या अनचेक करना है उसके लिए आपको कौन सा मैथड यूज होता है डॉट वैल्यू क्वेश्चन तो नंबर सिक्सटी नाइन देखते हैं रिवर्सिंग जर्नल इज ए ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अनकन्वेंशनल वाउचर ठीक है रिवर्सिंग जर्नल किस प्रकार का वाउचर है ठीक है तो रिवर्सिंग जर्नल एक है अनकन्वेंशनल वाउचर है अनकन्वेंशनल मैंने यानी अपरम्परागत अपरम्परागत ठीक है अपरम्परागत ठीक है तो कन्वेंशनल वाउचर कौन कौन से थे कन, कन्वेंशनल वाउचर वो ऐसे वाउचर होते हैं जो कॉमन रूप से हमारे यूज़ होते हैं जैसे कन्वेंशनली जैसे रिसिप्ट वाउचर हो गया आपका ठीक है पेमेंट वाउचर हो गया ठीक है परचेस वाउचर हो गया ठीक है फिर, आ गया, आ गया, गया, फिर आपका आ गया सेल्स वाउचर हो गया ठीक है फिर आपका आ गया जर्नल वाउचर हो गया ठीक है और कौन सा वाउचर होते हैं ठीक है कॉन्ट्रा वाउचर हो गया कॉन्ट्रा वाउचर ठीक है तो ये सब हमारे क्या है कन्वेंशनल परंपरागत वाउचर्स हैं ठीक है थीके? तो इसका सही ऑप्शन होगा रिवर्सिंग जर्नल जो है वो एक अनकन्वेंशनल वाउचर है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखते हैं वाट डस एन आर डी बी एम एस कंसिस्ट ऑफ ठीक है आर डी बी एम एस क्या होता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है तो ये किसका कलेक्शन होता है तो ठीक है तो ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर सी टेबल्स कलेक्शन ऑफ़ टेबल्स ठीक है कोई भी डेटा जो सिस्टम होता है कोई भी डेटा सिस्टम होता है वो क्या होता है कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है ठीक है ये एक टेबल हो गया ये दूसरा टेबल हो गया तीसरा टेबल हो गया ठीक है जैसे ठीक है जैसे स्कूल का आप डेटा बना रहे हैं तो ये हो गया आपका स्टूडेंट नाम का टेबल ये हो गया आपका फ़ीस नाम का टेबल ठीक है ये हो गया आपका ठीक है, है स्टूडेंट का हो गया फीस का हो गया ठीक है हो गया आपका टीचर्स टीचर्स नाम का आपका टेबल ठीक है तो इस तरीके से आपका डेटाबेस क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट फीस और टीचर्स इन सभी टेबल्स का कलेक्शन होता है ठीक है तो इसलिए इसको क्या बोल रहा है कलेक्शन ऑफ टेबल्स ठीक है एक मिनट में इसे चार्जिंग लगा लेता हूँ उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं ठीक है ठीक सेवेंटी वन तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन क्या है क्या बोल रहा है ठीक है डैश इज एन ऑप्शन फॉर इन फॉन्ट ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होता है ठीक है तो ये हमारा क्या है वर्ड का एक हमने स्क्रीन शॉट लगाया हुआ है ये हमारे होम टैब है इंसर्ट पेज लिया और रेफरेंस और मिलिंगस ठीक है यहाँ पे होम टैब हमारा क्या है एक्टिव है अब यहाँ पे देखिए हमारा ये फॉन्ट टैब है फॉन्ट ग्रुप है ठीक है ये फॉन्ट ग्रुप है ना यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक ठीक है तो इस फॉन्ट ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक में ये जो आपको दिखा रहा है रेड कलर मार्क्स से ए बी सी लिखा हुआ है और यहाँ पे उसके ऊपर क्रॉस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू ठीक है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यू एस बी ठीक है यू एस बी का फुल फॉर्म क्या होता है ठीक है तो यू एस बी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी लेकिन अभी आप क्या लेता है देखो क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया है सिस्टम ठीक है तो यहाँ पे आएगा यूनिवर्सल सीरियल बस इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री देखते हैं व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावर स्क्रिप्ट कोर्ट ठीक है निम्न की जावा स्क्रिप्ट कोट का आउटपुट क्या होगा ठीक है तो टाइप ऑफ नल ठीक है तो टाइप ऑफ क्या करता है आपका आ, कोई भी डेटा टाइप का क्या आ, किसी भी वैल्यू का हमें क्या करता है वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हमें रिटर्न करके देता है ठीक है तो नल का यहाँ पे हमें सरप्राइजिंगली हमें क्या देता है ये जावास्क्रिप्ट हमें क्या देता है ऑब्जेक्ट देता है तो नल एक ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट ने ऑब्जेक्ट ही आउटपुट में आता है ठीक है आप कोई से रन करा के देखना है तो फिर आप लोग रन करा के भी देख सकते हैं इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं जावर्स का कोड आपको रन कराने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ ध्यान देंगे ठीक है आप जैसे ब्राउजर में आए क्रोम के ब्राउजर है ये क्रोम के ब्राउजर में आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करेंगे जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और जे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये देखिए यहाँ पे आपका ये कंसोल ओपन हो जाएगा यहाँ पे आप जाव स्क्रिप के कोड को डायरेक्ट टाइप करके आप रन करा सकते हैं ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग ठीक है कंसोल डॉट लॉग अब यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइप ऑफ एन न्यू डबल एल ठीक है और यहाँ पे ऐसा करके मैं एंटर मार रहा हूँ जैसे मैंने एंटर किया देखिए यहाँ पर हमारे आउटपुट में क्या आ गया ऑब्जेक्ट ठीक है तो इस तरीके से आप जाव स्क्रिप्ट के अन्य कमांड को भी रन करा सकते हो ठीक है जैसे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग ठीक है यहाँ पर फिर मैंने कर दिया कंसोल डॉट लॉक यहाँ पे मैंने कर दिया 50 ठीक है यहाँ पे देखिए 50 अच्छा कंसोल डॉट लॉक करने से तो 50 आएगा सॉरी कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉक टाइप ऑफ 50 ठीक है टाइप ऑफ 50 क्या आएगा 50 एक नंबर है इसलिए हमारा आउटपुट में हमारा क्या आएगा नंबर ठीक है तो इस तरीके से आप जाओ स्किप के छोटे छोटे कोड्स को आप यहाँ पे ब्राउजर में ये गूगल क्रोम का ब्राउजर ब्राउजर है इसमें आप कंट्रोल शिफ्ट और जे करके आप इस तरीके से आप जावेज के कोड को रन करा सकते हैं ठीक तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन से क्वेश्चन पूछे थे हम लोग यहाँ पे सेवनटी थ्री क्वेश्चन नंबर सेवनटी थ्री ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर देखते हैं ठीक है व्हाट इज द कोर व्हाट इज द कोर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी कर्नल ऑप्शन नंबर डी कर्नल क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फाइव देखते हैं विच वी बी ए कंट्रोल विच वी बी ए कंट्रोल इज यूज टू डिस्प्ले फॉर्मेटेड टेक्स और न्यूमेरिक डेटा इन ए फिक्सड विथ फॉन्ट ठीक है तो इसका आ, कौन सा वी बी ए कंट्रोल है जो क्या करता है हमें डिस्प्ले कर रहा है फॉर्मेटेड टेक्स्ट या फिर न्यूमेरिक डेटा को फिक्स्ड विथ फॉन्ट में ठीक है फिक्स्ड विथ पॉइंट में तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ठीक है इसका सही ऑप्शन होना चाहिए आ, अब इसका टैक्स बॉक्स भी हो सकता है लेबल भी हो सकता है लेकिन मुझे लग रहा है इसमें डी होना चाहिए ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स देखते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम एस रैम का फुल फॉर्म क्या है तो इसका सही ऑप्शन होगा ये रैम का एक टाइप है ठीक है तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ठीक है तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन देखते हैं ये एक जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है जावा इसक्रिप्ट का क्वेश्चन है ठीक है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट स्निपेट यानी होता है कोड ठीक है स्निपेट यानी होता है कोड ठीक तो तो है तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा क्या है एक एरे है एरे डिक्लियर किया गया जिसमें हमारे कितने एलिमेंट्स हैं पाँच एलिमेंट्स है दस बीस तीस चालीस पचास ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है एक रिजल्ट नाम का क्या कर दिया है आ, रिजल्ट नाम का क्या किया है एरे बनाया गया है ठीक है यहाँ पे ये ए डबल आर नाम का एरे है और यहाँ पे क्या रिजल्ट नाम कह रहा है अभी इस यहाँ पे इक्वल uh, टू के बाद क्या दिया है एरे डॉट मैप ये एरे डॉट मैप फंक्शन क्या करता है मैप मैथड इस यूज़ होता है टू क्रिएट ए न्यू एरे ये न्यू एरे बनाने के लिए यूज होता है और यहाँ पे क्या है ये एक एरो फंक्शन है इस एरो फंक्शन की सहायता से यहाँ से जो भी आउटपुट आएगा उसका हमें क्या करना है uh, हमें क्या बनाना है एरे बनाना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये नम इज़ ग्रेटर देन थर्टी ये तो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा तो अरे हमें उसी का बनाना है ट्रू या फॉल्स का ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये नम क्या है नम क्या है ये इसका पैरामीटर है इस फंक्शन का इस ठीक है इस फंक्शन का क्या है पैरामीटर है ठीक है तो इस नम में क्या वैल्यू आ जाएगा एक एक करके यहाँ से दस एक बार बीस फिर एक बार तीस चालीस पचास इस तरीके से यहाँ पर यह कंपेयर करते जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे ही आप क्या होगा पहला एलिमेंट आएगा टेन टेन इज़ ग्रेटर देन थर्टी टेन इज ग्रेटर देन थर्टी फिर यहाँ ट्वेंटी इज ग्रेटर देन थर्टी फिर थर्टी इज ग्रेटर देन थर्टी फोर्टी इज ग्रेटर देन थर्टी ठीक है फिफ्टी इज ग्रेटर देन थर्टी तो इस तरीके से ये कंपेयर होगा तो टेन इज ग्रेटर देन थर्टी यहाँ भी क्या आएगा ये फॉल्स आएगा ठीक है फिर ट्वेंटी इज ग्रेटर देन थर्टी ठीक है यहाँ पे देखो दस बीस तीस चालीस और पचास है ठीक है इस सभी को आपको किससे कंपेरिजन करना है थर्टी से ठीक है तो ये दस तीस से छोटा है बड़ा है क्या टेन इज़ ग्रेटर देन थर्टी तो फॉल्स आएगा ट्वेंटी इज ग्रेटर देन थर्टी फॉल्स आएगा थर्टी इज ग्रेटर देन थर्टी थर्टी इज ग्रेटर देन थर्टी तो ये भी आपको क्या आएगा फॉल्स आएगा क्योंकि तीस तीस से बड़ा थोड़ी ना होता तीस तो तीस से अगर थर्टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी होता तब यहाँ पे ट्रू आता लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा फिर फोर्टी इज ग्रेटर देन थर्टी ट्रू और यहाँ पे भी ट्रू तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेवेंटी सेवन में आएगा ए फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी देखते हैं स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन ठीक है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन जो प्रोसेसर होता है उसकी स्पीड को किसमें मिजर ना पाया जाता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी मेगा हर्ट्स अब जब आपने कंप्यूटर का जब आप कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना जैसे आई थ्री है तो आई थ्री इंटेल कोर आई थ्री और थ्री पॉइंट फोर जीगा हार्ट इस टाइप का लिखा था तो ये जो प्रोसेसर होता है उसका क्या होता है स्पीड uh, को बताता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन विच ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म ए लॉजिकल और ऑपरेशन इन वी बी ए इफ एल्स स्टेटमेंट्स ठीक है तो वी बी ए में लॉजिकल ऑपरेटर की बात कर रहा है, है तो ठीक है तो इसमें से चारों ऑप्शन आपके क्या होंगे गलत होंगे अब इसमें व्यापम को देखना है कि क्या कौन सा आंसर लेता है ठीक है चारों ऑप्शन रॉन्ग इसलिए है क्योंकि वी में जो भी लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं ए एन डी लॉजिकल एंड एंड ठीक है लॉजिकल और ओ आर ठीक है लॉजिकल नॉट एन ओ टी और एक्सक्लूसिव और एक्स ओ आर ठीक है और ऐसे में ये जो अदर लैंग्वेज होते हैं उसमें लॉजिकल और इस टाइप का होता है जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप जाएंगे तो ये पाइप वाला ऑपरेटर होता है ना तो ये होता है तो इसको बहुत लोग लगाए होंगे जहर सी बात है लेकिन अब देखो व्यापार क्या लेता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन चारों ऑप्शन इसके गलत है विरोपित तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर एटी देखते हैं विच प्रिंसिपल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन ठीक है तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल स्टेट करता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्सटेंशन के लिए ओपन होता है और मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज होता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्वेश्चन नंबर एटी वन देखते हैं इन वाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज डबल एंट्री सिस्टम यूज डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है जो सी आर डी आर में किसी भी ट्रांजेक्शन को हम डिनोट करते हैं उसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं ठीक है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए आप सी आर ओर डी आर दो दो अकाउंट मेंटेन करते हैं इसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं ठीक है तो डबल एंट्री सिस्टम आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में भी यूज होता है फाइनेंशियल में भी होता है मैनेजमेंट में भी होता है सभी प्रकार के अकाउंटिंग में आपका डबल एंट्री सिस्टम यूज़ होता है इसलिए इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी ऑल क्वेश्चन नंबर एट्टी टू देखते हैं वाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट ये भी JavaScript का कोड है ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है सम इक्वल टू जीरो दिया है यहाँ पे क्या दिया है फॉर लूप दिया है ठीक है फॉर लूप का ये हमारे यहाँ से यहाँ तक बॉडी है ठीक है अब यहाँ से इस इस चीज को आप हटा दो फिलहाल ये इफ के साथ ठीक है अब उसके बाद बस इतना ही रहने दो अगर इस चीज को आप हटा देते हो तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा हमारा देखिए लूप कहाँ से चल रहा है जीरो से लेकर दस तक जीरो से लेकर दस तक आपका लूप चल रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है सम प्लस इक्वल टू आई कर रहा है मतलब सम Uh, में जीरो है पहले और उसके बाद ये जितने भी आई में वैल्यू आती जाएगी वो सबको हमारा क्या कर रहा है वो ऐड कर रहा है तो अगर इस चीज़ को हम हटा देते हैं तो इस क्वेश्चन का हमारा आउटपुट आएगा ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ठीक है तो इन सब का एडिशन आपका आउटपुट आएगा ठीक है इन सब का एडिशन आपका आउटपुट आएगा जो भी आएगा ठीक है जीरो से लेकर दस तक आप इसको जोड़ेंगे तो वो आउटपुट आएगा लेकिन अब चूंकि यहाँ पर आपका क्या कर दिया है ईफ स्टेटमेंट लगा दिया है आई परसेंट टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पर क्या होगा जिस आ, आई की वैल्यू का शेषफल दो से भाग करने पे जीरो आए सिर्फ उस चीज़ को कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू कर देना है मतलब उस लूप को स्किप कर देना है स्किप कर देना है मतलब वो इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा कंटिन्यू में पहुंचा मतलब वो इस लाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो मतलब जिसमें शेषफल जीरो आएगा उस वैल्यू को स्किप कर देना है छोड़ देना है ठीक है कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर देता है करेंट इटरेशन को क्या कर देता है स्किप कर देता है ठीक है तो इसलिए यहाँ पर देखिए जीरो वन टू इन सब में जीरो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन और टेन इसमें दो से भाग देंगे तो जीरो किस में आएगा जैसे इसको दो से भाग देंगे तो इसमें जीरो आएगा इसको दो से भाग देंगे तो सोस्फल ज़ीरो आएगा जीरो 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 और जीरो तो जिसमें जिसमें जीरो आ रहा है उसको तो वो क्या कर देगा स्किप कर देगा मतलब स्किप कर देगा मतलब उसे तो वो ऐड नहीं करेगा ठीक है तो ये स्किप हो गया ठीक है ये स्किप हो गया ये स्किप हो गया ये सिक्स स्किप हो गया एट और टेन अब जो बचे वन थ्री फाइव सेवन और नाइन तो इन सबको वो ऐड कर देगा ठीक है तो वन थ्री फाइव सेवन और नाइन तो इन सबको ऐड करेंगे जब अपन ठीक है तो हमारा आउटपुट आएगा चार पाँच नौ नौ सात सोलह सोलह नौ पच्चीस ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है तो इसको उसको तो इस तरीके से आपको रन कराना है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी थ्री देखते हैं ठीक है विच मैथड इज यूज टू क्रिएट की फ्रेम एनिमेशन इन सी एस एस कैसकिंग स्टाइल सीट सी एस एस में हमें क्या करना है की फ्रेम एनिमेशन लगाना है तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज होता है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर एटी थ्री का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए की फ्रेम्स क्वेश्चन नंबर एटी फोर देखते हैं एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस डेटा ऑफ अन ऑब्जेक्ट बाय पासिंग ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट है ये दूसरा ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट का डेटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए वो कौन सा मैथड को यूज करता है तो यहां पे आएगा ऑप्शन नंबर बी 84 में ऑप्शन नंबर बी आएगा मैसेज क्वेश्चन नंबर 85 जेपीजी और जेपीजी इन इमेज फॉर्मेट स्टैंड फॉर जेपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो बहुत इजी क्वेश्चन था तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप ठीक क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स देखते हैं

तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जो स्ट्रिक्ट इक्वलिटी को कंपेरिजन ऑपरेटर है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका सही ऑप्शन बी क्यों होगा ठीक है यहाँ पे ए क्यों नहीं हुआ ठीक है तो जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर है डबल इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है ये आपका क्या करता है ?2016... वैल्यू ठीक है वैल्यू और डेटा टाइप दो चीज़ें होती है ठीक है वैल्यू और डेटा टाइप ठीक है तो वैल्यू को तो चेक करता है लेकिन डेटा टाइप को चेक नहीं करता लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो क्या करता है आपका वैल्यू को भी चेक करता है और डेटा टाइप को भी आपका डेटा टाइप को भी आपका चेक करता है दोनों को चेक करता है इसलिए ये क्या होता है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी ऑपरेटर कहलाता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको रन कराते हैं है ना फिफ्टी डबल इक्वल टू फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू क्या है फिफ्टी इसका भी वैल्यू क्या है फिफ्टी इसका टाइप क्या है नंबर इसका टाइप क्या है नंबर तो ये क्या दे देगा आपको टू दे देगा लेकिन इसी चीज़ को आप ट्रिपल इक्वल टू में आ जाइए फिफ्टी ट्रिपल इक्वल टू फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी वैल्यू क्या है फिफ्टी यहाँ पर भी वैल्यू क्या है फिफ्टी डेटा टाइप क्या है फिफ्टी नंबर और इधर भी डेटा टाइप क्या है नंबर तो यहाँ पर भी ये ट्रू देगा लेकिन अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए फिफ्टी डबल इक्वल टू यहाँ पे सिंगल कोड में मैंने फिफ्टी लिख दिया अब यहाँ पर ये यह, इसमें भी आपको क्या दे देगा ट्रू देखिए यहाँ देखिए इसका वैल्यू फिफ्टी है इसका वैल्यू फिफ्टी है तो यहाँ तक तो ठीक है लेकिन इसका डेटा टाइप नंबर है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है ठीक है यहाँ पर डबल इक्वल टू ऑपरेटर तो ये हमारे ट्रू दे देगा लेकिन जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है ये यह यहाँ पे आपको क्या दे देगा फॉल्स इसे हम रन करा के भी देख लेते हैं ठीक है इसीलिए इसे स्ट्रिक्ट इक्वल्टी ऑपरेटर कहते हैं जब इसक्रिप्ट का कोड uh, रन कराने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल मेथड बताया है ठीक है यहाँ पे हम कंसोल uh, को क्लियर कर लेते हैं ठीक है जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉक ठीक है फिफ्टी डबल इक्वल टू फिफ्टी ठीक है तो यहाँ पे तो हमें टू देगा क्यों क्योंकि तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू भी फिफ्टी है डेटा टाइप भी नंबर है वैल्यू फिफ्टी है वैल्यू फिफ्टी है डेटा टाइप नंबर है और डेटा टाइप भी नंबर है तो ये टू देगा ठीक है अभी इसे अनसोल डॉट लॉक किया मैंने ठीक है अनसोल डॉट लॉक ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया फिफ्टी डबल इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर मैं फिफ्टी दे देता दे हूँ ठीक है तो यहाँ पे भी ये क्या दे देगा हमें ट्रू ठीक है लेकिन ये यह, यहाँ पे जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर है कंसोल डॉट लॉग लॉग ठीक है फिफ्टी ट्रिपल इक्वल टू सिंगल कोड के अंदर फिफ्टी अब यहाँ पे ये क्या कर देगा ये हमें हमें क्या दे देगा फॉल्स ठीक है ये ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर हमें क्या दे देगा फॉल्स क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है नंबर है और यहाँ पे इसका डेटा टाइप क्या है स्ट्रिंग है ठीक है और कंसोल डॉट लॉग फिफ्टी ट्रिपल इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर ए सॉरी तो यहाँ पे आपको टू देगा ठीक है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है यहाँ पे भी नंबर है ठीक है तो इस तरीके से आप जावे का कोड को रन को करा के देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे थे 87 में ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 88 एट दिखते हैं वाट इज द टर्म वाट इज टर्म एज एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड टोटल अमाउंट ओवर डेबिट साइड टोटल अमाउंट इन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है क्रेडिट साइड का जो टोटल अमाउंट है वो डेबिट uh, साइड के टोटल अमाउंट से ज़्यादा हो जा रहा है ठीक है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ एस टी टी पी एस एस टी पी पी एस का फीचर को कौन डिस्क्राइब करता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर एस एस टी पी पी एस यूसेस ए सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल फॉर एनक्रिप्टिंग द डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर क्वेश्चन नंबर नाइनटी देखते हैं क्लिक डैश टैप टू एड अ न्यू चार्ट इन टू वर्कशीट ठीक है वर्कशीट में हमें नया चार्ट को हमें क्या करना है ऐड करना है तो उसके लिए हमें कौन से टैब में क्लिक करना रहता है ठीक है तो ये एक्सेल की बात हो रही है ठीक है वर्कशीट की बात कर रही है मतलब एक्सेल की बात हो रही है तो एक्सेल में हमें क्या करना पड़ता है ये देखिए इंसर्ट नाम का टैब है इंसर्ट नाम के टैब में आपको चार्ट मिलता है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट टैब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन देखते हैं विच वी बी ए फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग टू लोअर केसरिंग को क्या करना है हमें लोअर केस में चेंज करना है ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एल केस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू देखते हैं वाट इज़ द की बोर्ड शॉर्टकट की टू कट द सेलेक्टेड सेल्स ठीक है तो कट करने के लिए तो बहुत ईजी है ऑप्शन नंबर ए होगा कंट्रोल एक्स क्वेश्चन नंबर नाइन्टी टू में आएगा ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री देखते हैं स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कार्ड ठीक है तो प्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं स्पेशल इफेक्ट डालते हैं ठीक है थीके? तो उसे क्या कहा जाता है ठीक है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिशंस ट्रांजिशंस क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ ए वेब सर्वर इज टू स्टोर एंड प्रोसेस ठीक है, C, transitions, transitions. है. Process, तो वेब सर्वर का मेन फंक्शन क्या होता है ठीक है तो स्टोर वेब ये वेब सर्वर होता है तो जो हम लोग कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हैं तो वो कहाँ करते हैं वेब सर्वर में ही करते हैं ना तो वेब तो वेब सर्वर क्या करेगा वेबसाइट को स्टोर करेगा और उसे प्रोसेस करेगा ठीक है तो वेब सर्वर के अंदर हमारा वेबसाइट्स होते हैं ना तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जो वेबसाइट होता है वो हमारा वेब सर्वर में होस्ट होता है, है ना ठीक है इसलिए तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर में आएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइनटी फाइव देखते हैं विच बिल्ट इन फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट इज यूज टू कन्वर्ट अ नंबर टू अ स्ट्रिंग यूजिंग ए स्पेसिफाइड रेडिक्स ठीक है तो ऐसा कौन सा जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन है जो नम ठीक है नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग में ठीक है यूजिंग ए स्पेसिफाइड रेडिक्स ठीक है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए नाइन्टी फाइव का ऑप्शन होगा ए टू स्ट्रिंग ठीक है टू स्ट्रिंग मेथड टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है जैसे देखिए यहाँ पे क्या कर रहे है? हैं ये फोर्टी टू का आपका नंबर है और ठीक है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ये हमारा केस में हो गया डेसीमल में ठीक है अब इसे हमें क्या करना है बाइनरी में चेंज करना है ठीक है तो बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग मेथड लगा देंगे और यहाँ पे लिख डाल दा, देंगे स्पेसिफाइड रेडिक्स स्पेसिफाइड रेडिक्स बोल रहा है ना तो स्पेसिफाइड रेडिक्स यानी अपन यहाँ पे टू डालेंगे तो बाइनरी में आएगा एट डालेंगे तो ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा और सिक्सटीन डालेंगे तो हेक्सा डेसीमल में कन्वर्ट हो जाएगा और डेसीमल का क्या होता है टेन ठीक है जो रेडिक्स होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए फोर्टी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी uh, में तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ गया ठीक है अब यहाँ पे भी देखिए 42 है यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग करके हमने 8 लिखा तो इसका आउटपुट आया हमारा 52 टू यहाँ पर देखिए 42 टू डेसीमल में यहाँ पे हमें क्या कर दिया इसे एक्सडेसीमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट आएगा टू ए इसे आप लोग गूगल क्रोम में अपने जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से रन करा के आप देख सकते हैं एक छोटा सा मैं रन करा के भी दिखा देता हूँ आपको कैसे कन्वर्ट हो रहा है फोर्टी को हम लोग जैसे बाइनरी में चेंज करना है ठीक है यहाँ पर मैं क्लियर कंसोल कर लेता हूँ इस कंसोल को हम लोग कैसे खोलते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया एक नंबर ले लिया वेर नंबर इक्वल टू फोर्टी टू ये चलिए मैं फ़िफ्टीन ले लेता हूँ आपको समझने में बचाने फिफ्टीन ठीक है ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ एक और दूसरा नंबर ले दे रहा हूँ वेर बी नाम का एक वेरिएबल ले ले रहा हूँ और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ नंबर डॉट टू स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग मेथड लगा देते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं टू एंटर ठीक है अब कंसोल डॉट लॉक करके हम क्या करते हैं बी की वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं बी की वैल्यू प्रिंट कराने ठीक है ठीके? तो देखिए यहाँ पे क्या रेट वन 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 टू जो फिफ्टीन है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है फिफ्टीन है वो हमारा कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में ठीक डॉट टू स्ट्रिंग मैथड लगा कर ठीक है तो इस तरीके से आप जवाब के जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स है उसको यहाँ से आप रन करा कर देख सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 95 में आएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं व्हाट इज़ द एप्सोलूट एड्रेस ऑफ द सेल लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेवेंथ रो एंड फिफ्थ कॉलम ठीक है तो ये हमारा हो गया सेवन रो और ये हो गया फिफ्थ कॉलम ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है तो इसका एड्रेस क्या होगा हमारा ई सेवन ठीक है ई सेवन तो होगा ये हमें पता चल गया ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है एप्सोलूट एड्रेस एप्सोलूट एड्रेस तो एप्सोलूट एड्रेस के लिए हमेशा हमारा क्या लगाना पड़ता है डॉलर ठीक है तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो गलत ही होता है ये भी गलत होता है अब इन दोनों में से बच रहा है तो इसमें एंड है और इसमें डॉलर है ठीक है तो हमारा एब्सलूट एड्रेस हमेशा लगाते हैं हम डॉलर से क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन देखते हैं पी एन जी स्टैंड्स फॉर पी एन जी स्टैंड्स फॉर ठीक है तो इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए नाइन्टी सेवन में आएगा ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ठीक है और यहाँ पे देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप भी दिया हुआ है तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है जब आपका जे आप पढ़ते हैं जे तो है, है? जी तो यहाँ पे क्या होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका क्या होता है ग्रुप लेकिन यहाँ जब आप पी पढ़ रहे हैं पी तो यहाँ पर क्या है पोर्टेबल नेटवर्क और यहाँ पे जी का मतलब है ग्राफिक्स ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये भी देखिए इमेज फाइल फॉर्मेट है ये भी इमेज फाइल फॉर्मेट है लेकिन यहाँ पे लास्ट में ग्रुप है यहाँ पे लास्ट में, में ग्राफिक्स है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट दिखते हैं ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स विल टेक यू डायरेक्टली टू द रूट डायरेक्टरी नो मैटर वाट सब डायरेक्टरी यू आर करेंटली इन है ना विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड विल टेक यू डायरेक्टली टू द रूट डायरेक्टरी नो मैटर वाट सब डायरेक्टरी यू आर करेंटली इन ठीक है इसका क्या मतलब है ठीक है डायरेक्ट आपको जैसे अब यहाँ पे देखिए अब जी ड्राइव में है हम स्टेट नाम का डायरेक्टरी है फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरी है जोन उसके अंदर सब डायरेक्टरी डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर न... ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या है स्टेट जोन और डिस्ट्रिक्ट यहाँ तक तो हम लोग अंदर में है ठीक है अब यहाँ से हमें डायरेक्ट हमें क्या करना है रूट डायरेक्टरी में आना है तो हम लोग क्या करेंगे सी डी बैक्सलेस कमांड सीधा लगा देंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अब देखिए देखिए अब सी डी बैक्सलेस कमांड नहीं लगाते एक एक डायरेक्टरी करके बाहर आना है तो सी डी डबल डॉट सी डबल डॉट करने से क्या होता है एक एक डायरेक्टरी करके बाहर आते हैं जैसे देखिए यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट में हैं तो इस डिस्ट्रिक्ट से बाहर आना CD है सी डबल डॉट लगाए तो हम जोन में आ गए ठीक है जोन से बाहर आना है सी डबल डॉट लगाए हम स्टेट में आ गए स्टेट से बाहर आना है सी डबल डॉट लगाए यहाँ आ गए और डायरेक्ट ये तीनों स्टेप को आपको स्किप करना है डायरेक्ट आपको रूट डायरेक्टरी में आना है तो सी डी बैक स्लेस क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एस एस एल टी एल एस इज करेक्ट ठीक है तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट एस एस के लिए करेक्ट है ठीक है तो नाइनटी नाइन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी एस एस एल टी एल एस ऑपरेट्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द टी सी पी आई पी मॉडल क्वेश्चन नंबर हंड्रेड देख के लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज दस द कंप्यूटर अंडरस्टैंड कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है ठीक है तो कंप्यूटर हमेशा कंप्यूटर हमेशा कौन सी लैंग्वेज समझता है जीरो और वन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज ठीक है तो इस तरीके से हम हमारे जो सी जी व्यापम के जो हंड्रेड एम सी के क्वेश्चन थे ठीक है वो यहाँ पे इस तरह से खत्म होते हैं आशा करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन जितने क्वेश्चन थे मैंने बताने की कोशिश की है समझ आया होगा और जिसको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा और या जावा स्क्रिप्ट और वी बी ए को डिटेल में आप एक एक क्वेश्चन का आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करेंगे जिससे मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँगा ठीक है तो अगर आपको